हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज 12 जनवरी और दोस्तों 12 जनवरी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट आज के इस वीडियो में अपन जानेंगे। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये आपके एमपीपीएससी, एसएससी और एनटीपीसी रेलवे बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन, भारत की गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश के राष्ट्रपति को नियुक्त दिया गया? दोस्तों पहले दिया गया तो बोरिस जॉनसन को, और अब ये सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद को नियुक्त दिया गया, क्योंकि वो किसी कारणवश नहीं आ सके, क्योंकि वहां पे कुछ कोरोना का प्रकोप ज्यादा चल रहा है, इस वजह से नहीं आ सके, तो उन्होंने मना कर दिया। इस वजह से अब ये नियुक्ति किसको दिया गया? सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी को दिया गया। ये भी अपने भारत की गणतंत्र दिवस 2021 की परेड होगी उसमें शामिल होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 12 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाया गया? दोस्तों आज है 12 जनवरी और इसको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस, और राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य मनाया जाए? स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में, और इस दिन सूर्य नमस्कार भी होता है, क्योंकि विवेकानंद एक हष्टपुष्ट बहुत बलवान व्यक्ति थे, और इस दिन युवा लोग सामूहिक सूर्य नमस्कार करके अपने जीवन को बहुत सुदृढ़ और मजबूत बनाते हैं। तो यह 12 जनवरी का महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही मनाया गया दोस्तों, 10 जनवरी को। कब मनाया गया दोस्तों? 10 जनवरी को। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला देखिए, प्रश्न नंबर चौथा देखिए, किस देश ने फतेह वन रॉकेट का परीक्षण किया? तो यह है दोस्तों पाकिस्तान। किस देश ने किया? पाकिस्तान ने किया हाल ही में। नेक्स्ट है, देश में आज भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती मनाई? भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री, और प्रथम प्रधानमंत्री बात की जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन आया था कि योजना आयोग के अध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष, कौन सा प्रश्न पूछा गया? नीति आयोग के अध्यक्ष। तो दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। पहले योजना आयोग चलती थी, अब योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग बना दिया। तो नीति आयोग का जो प्रधान अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है, और उपाध्यक्ष होता है भारत का उपराष्ट्रपति। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया तो अपन लिख सकते हैं। और लाल बहादुर शास्त्री कौन सी जयंती मना रहे दोस्तों? 55वीं जयंती। अगर ये क्वेश्चन आया तो आप ये भी इसका भी उत्तर बड़े आसानी से दे देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर छठा देखते हैं, देखिए, अमेरिका की नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बने? जो बाइडेन। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बने? जो बाइडेन। और उपराष्ट्रपति कौन बनी? कमला हैरिस। अब कमला हैरिस ने भारतीय मूल की किस महिला को अपना प्रेस सचिव नियुक्त किया? किस महिला? तो सबरीना सिंह को अपना प्रेस सचिव नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। अभी 9 जनवरी को ही मनाया गया प्रवासी दिवस। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? तो अमीर व्यक्ति बने एलन मास्क। इन्हें जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया, जो अमेजोन के सीईओ है जेफ बेजोस, उनको पीछे छोड़ दिया। और एलन मास्क जो बने, ये टेस्ला कार कंपनी के मालिक है, और ये सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं दुनिया के अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तेलंगाना के चीफ जस्टिस के रूप में किसने शपथ ली? हेमा कोहली। तेलंगाना के चीफ जस्टिस के रूप में किसने शपथ ली? हेमा कोहली ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की है? मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की है? तो बिहार की है। अभी वर्ली पेंटिंग के बारे में पूछा गया था, और बहुत सारी पेंटिंग के बारे में भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं। अभी कुछ समय पीली क्रांति के संबंध में प्रश्न पूछा गया था,
जो सरसों से, सरसों और तिलहन से संबंधित है, और वर्ली पेंटिंग का संबंध भी आपसे एग्जाम में पूछा गया था अभी कुछ, वर्ली पेंटिंग पूछी गई थी जो महाराष्ट्र संबंधित है ना, वो किस राज्य संबंधित है? महाराष्ट्र संबंधित है। तो हो सकता है आपसे मधुबनी पेंटिंग के बारे में पूछा जाए, ये एमपीपीएससी में पूछा गया था 2014 में। तो ये बिहार से, किस राज्य से? बिहार से। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और दोस्तों शेयर करें, सब्सक्राइब करें।